दोस्तों इस समय सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में दूर दूर से भक्त लोग भगवान शिव के लिए गंगा जल भरकर लाते हैं और शिव जी के चरणों में अर्पित करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए गुहार लगाते हैं। कई बार आपको कांवर भरने के लिए सोचते हुए कि कौन सी कांवर भर के लाएं जो कि भगवान शिव की कृपा बरसाए, तो आज हम इस खबर पर चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे आपको कि भगवान शिव कौन सी कांवर भरने पर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जितनी ज़्यादा भगवान के आगे गहरी तपस्या करेंगे उतने ही भगवान आप पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन सावन का महीने भगवान शिव जी की पूजा के विशेष अच्छा माना गया है। इंद्र बड़ी संख्या में कंवरतिया गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश गंगोत्री पहुंच रहे हैं और शिव भक्ति में डूबे कांवरिये बम बम बोले के जयकारों से भी आगे बढ़ रहे हैं। ज्योतिष आचार्य प्रशांत शास्त्री बताते हैं कांवर यात्रा तो कई प्रकार की होती है, फिर भक्ति के ऊपर निर्भर करती है, जैसी उसकी श्रद्धा हो उसी प्रकार से भक्त कांवर यात्रा करला सकता है। वैसे तो कांवर कई प्रकार की होती है, एक होती सामान्य कांवर, दूसरी होती दांडी कांवर, तीसरी होती खड़ी कांवर, वही डाक कांवर ये कहा जाता है। सफ़ेद कांवर एक अलग होती है, जबकि एक पालकी कांवर ही बताया जाता है। एक होती है बताया गया है मंदिर कांवर, हालांकि ये कांवर कई प्रकार की होती है। जिस बताइए आप कौन सी कांवर लेके चलते हैं? ये बैकुंठी कांवर है। ये कहाँ से कहाँ चली जाती है? यहाँ से मान्यता हो, जहाँ से सिंगी रामपुर है या सोरो है, अपने जहाँ बोल दो जहाँ चढ़ाना है तैसे लोग बटूसर चढ़ाते हैं या कहीं चढ़ाते हैं, अपने जहाँ मनोकामना है लंबी है, जहाँ अपने कोई उज्जैन जाता है, कोई ओमकारेश्वर जाता है, कोई काशी विश्वनाथ जाता है। बैकुंठी है ये जमीन में नहीं रखते हैं, अपने पेड़ पर और धर्म स्थान पर रख सकते हैं। अच्छा, जमीन पर नहीं रखी जाती है। अच्छा, वो खड़ेसुरी होती है, उसमें जूटिया होते हैं, एक डाक खड़ेसुरी होती है, एक हथेसुरी होती है, एक झूला होती है, एक डाक होती है, पांच प्रकार की लगभग होती है। हाँ, उसमें जूटिया के साथ होता है, वो रखते नहीं है, अपने अपने के यहाँ का हिसाब है। खड़ेसुरी में जूटिया के साथ होता है, वो रखते नहीं है, पर रोटिया के साथ होता है। और कौन सी बताइए? एक डाक, डाक कांवर कैसी होती है? डाक में पांच सात लोगों को टाइम सी चढ़ती है, तो हमें 24 घंटे में चढ़ाना है, तो उसे उसी 24 घंटे में चढ़ाना है। तो दौड़ लगा दी जाए? हाँ, दौड़ लगाते हैं। एक और आती है, बता रहे कौन सी? हाँ, हथेसुरी, वो हाथों की बल के द्वारा आती है। हाँ, हम लोग जाएंगे महाकालेश्वर उज्जैन, बबलू, दातागंज, बदायूं।